गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू मैथ्स क्लास सिक्स, चैप्टर फाइव, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, पार्ट सिक्स, एंगल्स फॉर्म्ड बाय हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. टुडे वी लर्न अबाउट द एंगल्स फॉर्म्ड बाय हैंड्स ऑफ क्लॉक थ्रू सम एग्जाम्पल्स. तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स. What fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from number A 12 to 6, number B 3 to 6, number C 10 to 1 and number D 12 to 9. अब यहाँ है कि आर हैंड जो है क्लॉक का वो कितना फ्रैक्शन एक रिवॉल्यूशन का टर्न करेगा जब 12 टू 6 पर जाएगा. अब देखिए स्टूडेंट्स, आर हैंड अगर 12 पर है, 12 से 6 पर आने के लिए क्या करेगा, वो हाफ रिवॉल्यूशन लगाएगा. देखिए 12 में होता है, 12 के जस्ट अपोजिट में 6 होता है. मतलब ये देखिए शेडेड पोर्शन क्या दिखा रहा है, हाफ दिखा रहा है, सर्कल का हाफ दिखा रहा है, मतलब एक क्लॉक का हाफ दिखा रहा है. अब वन क्लॉक में कितना होता है, 12 आवर्स होता है, तो 12 टू 6 आने में कितना आवर्स लगेगा, 6 आवर्स लगेगा स्टूडेंट्स. 6 आवर्स मीन्स क्या हो गया, 6 बाई 12 हो गया. 6 आउट ऑफ 12 क्या होता है, 1 बाई 2 होता है. 6 टू जो 12 कट गया, मीन्स की हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन. अब देखिए 3 टू 6, आर हैंड अगर 3 पर है तो 6 पर जाने में कितना आर्स चलना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 3 आर्स चलना पड़ेगा, 4 5 6, 3 आर्स. तो 3 आर्स मतलब क्या हुआ, ये आर हैंड अगर यहाँ रहता तो ये हाफ का भी हाफ चलता, मतलब एक क्वार्टर टर्न चलता. तो क्वार्टर टर्न क्या होता है, क्वार्टर मीन्स होता है 1/4, एक रिवोल्यूशन का 1/4 ही चला. जैसे इसको हाफ को 2 पार्ट में डिवाइड किए तो दोनों पार्ट क्या हो गया, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 4 क्वार्टर मीन्स होता है 1 होल. तो 3 to 6 में कितना चलेगा, 1/4. 3 to 6 मतलब 3 आवर्स चला, 3 आवर्स मतलब 3/12, 3/12 मतलब कितना हुआ, 1/4 हुआ, 3 4 12, क्योंकि 1 क्लॉक में 12 आवर्स होता है. तो जितना आवर्स होता है उतना कहा 12 के साथ फ्रैक्शन लिख सकते हैं. अब देखिए 10 to 1, अब 10 to 1 चलने में कितना आवर्स चलेगा, 11 12 1, 3 आवर्स अगेन चलेगा. तो 3 आवर्स मतलब 3 out of 12 आवर्स, टोटल 12 आवर्स है, 12 में से 3 आवर्स चला, मतलब 3 out of 12, मतलब 1/4 हुआ. अब 12 to 9 चलने में कितना चलेगा स्टूडेंट्स, देखिए 12 to 9 9 आवर्स चला, 9 आवर्स मतलब कितना हुआ, 9 out of 12 फ्रैक्शन हुआ. अगर आप फ्रैक्शन लिखेंगे ऐसे, 12 आवर्स का पार्ट अगर लिखेंगे तो 9 आवर्स कितना है, 9 out of 12, मतलब 3/4 कटेगा. अगर 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 3/4 हो गया. तो 3/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन चलेगा 12 to 9 जाने में. तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना. अगर आर हैंड 12 से 6 पर जा रहा है तो 180 डिग्री रोटेट कर रहा है, 3 to 6 जा रहा है तो 90 डिग्री रोटेट कर रहा है, 1/4 मीन्स 90 डिग्री. तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं. एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 3 एंड मेक्स हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन क्लॉक वाइज. अब यहाँ स्टूडेंट्स कि अगर आर हैंड 3 से स्टार्ट होकर के हाफ रिवोल्यूशन लगाता है तो कहाँ पहुँचेगा. क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज क्या होता है स्टूडेंट, क्लॉक वाइज मतलब घड़ी के दिशा में, क्लॉक वाइज जिस डायरेक्शन में घड़ी चलता है, इस डायरेक्शन में घड़ी चलता है, घड़ी का हैंड, उसको हम बोलते हैं क्लॉक वाइज. अगर उसका उल्टा दिशा में अगर बोलेंगे तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज. जैसे आर हैंड आपका 3 पर है, ए 3 है यहाँ पर, अब इधर से हाफ रिवोल्यूशन लगाएगा तो जस्ट अपोजिट आएगा उसका स्टूडेंट, तो जस्ट अपोजिट में क्या होता है, 9 होता है. तो हाफ रिवोल्यूशन, ये देखिए इस रिवोल्यूशन को क्लॉक वाइज रिवोल्यूशन बोलते हैं. तो हाफ रिवोल्यूशन लगाया 3 से चल करके तो 9 पर पहुँचा, है ना, तो आंसर हो गया 9. अब कह रहा है कि 1, इट स्टार्ट्स एट 1 एंड मेक्स 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन क्लॉक वाइज. अब अगर 1 पर से स्टार्ट करेगा स्टूडेंट्स,
देखिए वन यहाँ होता है, अब वन फोर्थ लगाएगा क्वार्टर टर्न मतलब 90 डिग्री, तो वन से 90 डिग्री कितना में बनेगा, थ्री आवर्स में 90 डिग्री बनता है स्टूडेंट, तो वन से स्टार्ट करके 90 डिग्री लगाएगा, क्वार्टर टर्न बनाएगा, मतलब तीन घंटा चलेगा, तो कहाँ चलेगा, फोर पर पहुँचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर। क्वार्टर टर्न मीन्स थ्री आवर्स हमेशा याद रखिएगा, हाफ टर्न मीन्स सिक्स आवर्स, और थ्री फोर्थ टर्न मीन्स नाइन आवर्स। अब यहाँ है कि स्टार्ट्स एट एट एंड मेक्स थ्री फोर्थ ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, अब एट से स्टार्ट करेगा, एट है और थ्री फोर्थ मीन्स कितना होता है स्टूडेंट्स, अभी पढ़े थे नाइन आवर्स होता है, तीन चौथाई चल लेगा मतलब थ्री बाई नाइन बाई ट्वेल्व चलेगा, थ्री फोर्थ का मतलब, तो एट से स्टार्ट करेगा और नाइन आवर्स चले तो कहाँ पहुँचेगा, एट से ट्वेल्व पर पहुँचने में फोर आवर्स हुआ और फिर फाइव आवर्स और, तो फाइव पर पहुँच जाएगा आपका, तो आंसर होगा इसका फाइव। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, अगर आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, देखिए इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है ऊपर और साउथ होता है नीचे, आप मैप में भी देखते हैं, तो ईस्ट डायरेक्शन में आपका फेस है, इधर फेस करके आप खड़े हैं और हाफ रिवॉल्यूशन लगाते हैं क्लॉक वाइज, तो हाफ रिवॉल्यूशन में कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे क्लॉक वाइज मतलब यही डायरेक्शन में, तो यहाँ से घूम करके आप आ जाएंगे जस्ट इसके अपोजिट में, हाफ टर्न हुआ ये, स्ट्रेट लाइन होता है हाफ टर्न स्टूडेंट्स, स्ट्रेट एंगल जिसको बोलते हैं, तो किधर आपका फेस हो जाएगा, आपका फेस हो जाएगा वेस्ट की तरफ, तो इसका आंसर हो गया आपका वेस्ट। अब बी नंबर देखिए, ईस्ट एंड मेक वन एंड हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्लॉक वाइज, अब अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ है वन एंड हाफ रिवॉल्यूशन लगाएंगे तब आपका फेस किधर होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें भी आपका फेस जो है वन एंड हाफ रिवॉल्यूशन के बाद भी ईस्ट ही के वेस्ट ही की तरफ होगा, हाफ रिवॉल्यूशन में वेस्ट की तरफ होता है तो वन एंड हाफ रिवॉल्यूशन में भी क्या होगा, वेस्ट ही की तरफ होगा, क्यों, क्योंकि वन रिवॉल्यूशन में आपका ईस्ट से ईस्ट ही में आएगा, जैसे आप ईस्ट की तरफ फेस किए हुए हैं अब एक पूरा चक्कर लगा लिए तो फिर तो दोबारा ईस्ट ही की तरफ जाएंगे आप, तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में फेस उधर ही रहेगा है ना, तो हाफ रिवॉल्यूशन में फिर कहाँ आएगा, वेस्ट की तरफ आएगा, हाफ रिवॉल्यूशन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो इसका आंसर भी वेस्ट होगा। अब सी देखिए, वेस्ट एंड मेक थ्री बाई फोर ऑफ ए रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉक वाइज, अब आकर आपका फेस वेस्ट की तरफ है इधर है और थ्री फोर्थ ऑफ ए रिवॉल्यूशन लगाते हैं, थ्री फोर्थ मतलब थ्री क्वार्टर हो गया, थ्री क्वार्टर लगाते हैं तो ये वन क्वार्टर ये हुआ, अच्छा एंटी क्लॉक वाइज कहा जा रहा है ना, थ्री फोर्थ ऑफ ए रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉक वाइज, तो एंटी क्लॉक वाइज मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, आप उल्टा घड़ी को उल्टा दिशा में, घड़ी तो इस डायरेक्शन में चलता है, अब अगर वेस्ट से इधर आएंगे साउथ की तरफ आएंगे तो ये वन क्वार्टर चले, ये सेकेंड क्वार्टर हो गया और ये थर्ड क्वार्टर हो गया, तो थ्री फोर्थ ऑफ ए रिवॉल्यूशन मीन्स कि थ्री क्वार्टर चले तो किधर की तरफ आए स्टूडेंट्स, नॉर्थ की तरफ आ गए, तो इसका आंसर होगा आपका नॉर्थ, नॉर्थ हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए डी, साउथ एंड मेक वन फुल रिवॉल्यूशन, अब अगर आपका फेस साउथ में है और एक फुल रिवॉल्यूशन लगाते हैं तो फुल रिवॉल्यूशन में आप क्लॉक वाइज लगाइए या एंटी क्लॉक वाइज लगाइए, आप फिर वापस वहीं पर पहुँचेंगे, साउथ ही फेस रहेगा, फेस साउथ था और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाया तो फिर से आप साउथ की तरफ आ गए, तो ये साउथ होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर एट, इसमें एक और क्वेश्चन था स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर सेवन में कि शुड बी स्पेसिफाई क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज फॉर द लास्ट पार्ट, ए डी नंबर में देखिए क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो नो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्पेसिफाई क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, क्योंकि इसमें फुल रिवॉल्यूशन लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज इन लास्ट पार्ट इट इज अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाते हैं तो आप क्लॉक वाइज लगाइए या एंटी क्लॉक वाइज लगाइए, आपका फेस तो वहीं आना है घूम करके जिधर था। अब देखिए नंबर एट, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स फॉर्म्ड थ्रू बाय द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम सिक्स टू ट्वेल्व, तो सिक्स टू ट्वेल्व आर हैंड अगर अब पहुंचता है स्टूडेंट्स, जैसे आर हैंड यहाँ सिक्स पर है, ये देखिए सिक्स है, सिक्स से ट्वेल्व पर जाता है,
तो कितना राइट एंगल बनेगा? तो राइट एंगल मींस क्या होता है स्टूडेंट्स? क्वार्टर टर्न। तो 6 to 9 आएगा तो ये क्वार्टर टर्न हुआ, 1 right angle होता है, और ये 9 से फिर 12 आ गया तो फिर एक राइट एंगल बना, तो 2 right angle इसका आंसर हो गया। तो आंसर हो गया रोटेशन फ्रॉम 6 to 12 मेक्स 2 right angles, क्योंकि यहाँ पर 2 quarter चलेगा। ऐसे भी 6 to 12 क्या हो गया? हाफ रिवोल्यूशन हो गया। हाफ रिवोल्यूशन मतलब 180 degree, 180 degree मीन्स 2 right angle, क्योंकि राइट एंगल होता है 90 degree, है ना। 2 right angle मतलब 180 degree। अब देखिए 4 to 7 आएगा, आर हैंड अगर 4 पर है 7 पर आएगा तो कितना आर चलेगा? 3 आर चलेगा, मतलब 1 quarter चलेगा। 3 out of 12 मतलब 1/4, तो 1 quarter मीन्स क्या होता है? 1 right angle। हमेशा आप याद रखिएगा 1 quarter मीन्स होता है 1 right angle। ये देखिए 1 quarter होता है, राइट एंगल है 90 degree। 3 hours में 1 right angle का राइट एंगल बनता है। 3 hours जब चलेगा आर हैंड तो 90 degree का एंगल बनाएगा, है ना। कहीं से भी जैसे 7 to 10 जाएगा तो भी 90 degree बनाएगा, 11 to 2 जाएगा तो भी राइट एंगल बनाएगा, है ना। 3 to 6 जाएगा तब भी राइट एंगल बनाएगा। 3 घंटा कहीं से कहीं चलेगा तो राइट एंगल बनाएगा स्टूडेंट्स, है ना। 6 hours चलेगा तो स्ट्रेट एंगल बनाएगा 180 degree, और 9 hours चलेगा तो 270 degree, मतलब 3 quarters चलेगा 270 degree का एंगल बनेगा, ठीक है। अब रोटेशन नेक्स्ट देखिए 3 to 12। अब 3 to 12 कितना आर्स हो गया? 9 hours हो गया स्टूडेंट्स। 3 से 12 पर पहुंचने में 9 hours लगेगा, 9 hours मतलब 3 right angle हो गया, है ना। 3 से 2 6 1 right angle हो गया, 6 to 9 2nd right angle हो गया, और 9 to 12 3rd right angle, मतलब 3 right angles इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉक वाइज टू ईस्ट। अगर साउथ में आपका फेस है, साउथ में आपका फेस है, देखिए इसको देखिए, साउथ में आपका फेस है, और अगर आप टर्न करते हैं क्लॉक वाइज, साउथ में क्लॉक वाइज ये घड़ी का डायरेक्शन होता है, क्लॉक वाइज टर्न करते हैं और ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, इधर ईस्ट है, तो कितना क्वार्टर चले? 3 quarters चले आप, तो 3 quarter मींस कितना हुआ? 3 right angle हुआ स्टूडेंट्स। 1 quarter मींस 1 right angle, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 right angles। अब उसी ढंग से है कि नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉक वाइज टू वेस्ट। अब अगर आपका फेस नॉर्थ में है, नॉर्थ में यहाँ आपका फेस है, और एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं वेस्ट में आने के लिए, तो नॉर्थ से वेस्ट के कहाँ पर? यहीं पर आ गए, एक ही क्वार्टर में आ गए स्टूडेंट्स, तो ये 1 right angle हो गया इसका आंसर। 1 quarter मीन्स 1 right angle। और एक क्वेश्चन है ईस्ट एंड टर्न टू ईस्ट। अब अगर आपका फेस ईस्ट में है और ईस्ट ही की तरफ फिर फेस करना है तो कितना चलेंगे? एक कंप्लीट राउंड चलाएंगे, कंप्लीट राउंड मीन्स 4 right angle बन रहा है स्टूडेंट्स, 4 quarters, 4 right angles, क्लॉक वाइज एज वेल एज एंटी क्लॉक वाइज, दोनों केस में आप 4 right angles टर्न करेंगे तभी ईस्ट टू ईस्ट पहुंचेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, सॉरी 2 examples और स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 10, वेयर विल द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स From 5 and turns through 1 right angle। इसमें पूछा जा रहा है कि आर हैंड जो है क्लॉक का कहाँ पर स्टॉप करेगा जा करके, अगर स्टार्ट करता है 5 से और 1 right angle चलता है, तो 1 right angle मीन्स 1 quarter स्टूडेंट, 1 quarter मीन्स 3 hours, तो 5 से स्टार्ट करके 3 hours चलेगा, 1 right angle चलने का मतलब 3 hours चलना है, तो 5 से स्टार्ट करके 3 hours चलेगा तो कहाँ पर पहुँचेगा स्टूडेंट्स? 8 पर पहुँचेगा, 5 + 3 = 8। अब फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 3 right angles, अब 7 से स्टार्ट करके 3 right angle चलना है, 3 right angle मीन्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 9 hours हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 hours का 1 right angle होता है, तो 9 hours चलेगा, तो 7 + 9 कितना होता है? 16 मतलब क्या होता है? 16 - 12 करेंगे तो 4, तो 7 से 9 hours चलेगा तो 4 पर पहुंचेगा स्टूडेंट्स। और उसी ढंग से फ्रॉम 2 and turns टू स्ट्रेट एंगल, 2 से स्टार्ट किया और 2 straight angle चला, 2 straight angle मीन्स कितना हो गया स्टूडेंट्स? 1 complete angle हो गया, मतलब 360 degree हो गया, स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 degree, 2 straight angle मीन्स कंप्लीट राउंड हो गया, तो 2 से स्टार्ट करेगा और एक कंप्लीट राउंड लगाएगा तो कहाँ पर आएगा? फिर वापस 2 पर आएगा। एक और है देखिए, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज अक्यूट राइट ऑब्ट्यूज स्ट्रेट रिफ्लेक्स। इसके पिछले के वीडियो में
टाइप्स ऑफ एंगल बताए थे स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो उसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग इसको आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा एंगल है। अब ये देखिए, ये फर्स्ट फिगर में कौन सा एंगल बन रहा है, ये कितना डिग्री का एंगल है स्टूडेंट्स एच में, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल होता है, तो ये राइट एंगल है, इसको आप राइट एंगल कह सकते हैं। अब इसमें देखिए, इस फिगर में ये क्या है, ये राइट एंगल से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। उसी ढंग से देखिए, ये एंगल जो है रिफ्लेक्स एंगल है, मोर देन 180 डिग्री है, और ये एंगल स्ट्रेट एंगल है, एग्जैक्टली 180 डिग्री है, और ये एंगल अक्यूट एंगल है। तो अगर आप इसको मैच करना चाहेंगे तो अक्यूट एंगल वन को किससे मैच कर सकते हैं, ई से कर सकते हैं, टू राइट एंगल है, राइट एंगल को किससे मैच कर सकते हैं, आप ए से मैच कर सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल को आप मैच कर सकते हैं बी से, इससे इसमें ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल को आप डी से मैच कर सकते हैं, इसमें स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और रिफ्लेक्स एंगल को आप सी से मैच कर सकते हैं, ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग पार्ट 7 में, जिसमें प्रोट्रैक्टर से एंगल को मेजर करने के लिए सीखेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर यह वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। धन्यवाद।